पुराने जो कैपेसिटर बैंक है उन सबको रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो कम आ रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बिरदा ये जो नए वाले हमारे पास सेटअप आ रखे हैं और अभी जो पूरी टीम है वो वर्क के अंदर लगी हुई है। मैं आपको पुराने वाला दिखा देता हूँ, उसकी वैल्यू चेक करवा देता हूँ एक बार। ये मेरे पास अभी देख लीजिए मीटर है, इसमें अभी हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे दिखाइए आप, जो हमारा ये वाला बैंक है इसकी जो वैल्यू है वो 220 से ज़्यादा आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे एक्चुअल टाइम में क्या रहे देख लीजिए आप, अभी वैल्यू आ रही है 160। ठीक है, वैल्यू कम है। और सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके जो कनेक्शन है दोस्तों वो है सीरीज डेल्टा के अंदर, यहाँ पे 160 आ रखी है। सेकंड बैंक की आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ये जो हमारा बैंक है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है अभी यहाँ पे आ रही है 140। ठीक है, और आपको मैं आर फेज के साथ चेक करवा देता हूँ, वाई और आर के बीच में, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ रखी है 130 के आसपास वैल्यू जो आ रखी है। तो इनकी जो वैल्यू है वो वीक हो चुकी है। दो तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं, एक तो जो अपना क्लेम मीटर है ना उसके अंदर जो इसका एक्चुअल टाइम में जो करंट चलता है करंट की वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, और सेकंड इससे जो हमारा मीटर होता है उसके द्वारा हम कर सकते हैं सिर्फ कैपेसिटेंस वैल्यू जो माइक्रोफेड या पिकोफेड के अंदर जैसे भी होता है अपना नैनो फेड अलग अलग वैल्यूज होते हैं, हम जो चेक करते हैं वो करते हैं माइक्रोफेड के अंदर जो बड़े कैपेसिटर बैंक है उसके अंदर, तो उसे हम चेक कर लेते हैं जो वीक हो जाता है उस द्वारा इसको चेंज करते हैं। अब पार्टी को कैसे पता चलता है कि अभी कैपेसिटर बैंक को चेंज करवाना है? देखो सीधा सा सीन है, जब आपका जो पावर फैक्टर गिरने लगता है ना तो उस टाइम आपको पता लग जाता है कि आपका पावर फैक्टर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, उस कंडीशन में आपको इसको रिप्लेस यानी चेंज करवाना होता है। एक टाइम के बाद हर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो वीक होने लग जाती है, आप सभी को इस बात का पता ही है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ता है। अभी टीम में क्या क्या वर्क हो रहा है अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि जो क्लैंप हो रहा है इसमें जितने भी जो कनेक्शन है ना सभी सॉलिड कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सब के अंदर क्रिम्पिंग हो रही है, आप देख लीजिए बहुत ही शानदार क्रिम्पिंग की जा रही है। ये क्रिम्पिंग टूल की सहायता से हो रहा है, जो हाइड्रोलिक वाला है इसको प्रेस करके, जो हमारा ये वाई फेज है, ये हमारा बी फेज है और ये हमारा आर फेज इसमें डलेगा, इन सब फेजेज के अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग सेटअप करेंगे, उसके बाद इसमें हेवी कनेक्शन सारे होते हैं, बिल्कुल लूज नहीं रखा जाता। और बाकी आपको दिखा दूँ जो बैंक है ये बैंक रेडी किया जा रहा है। ठीक है, इस बैंक के फाइनली वो कनेक्शन होने अभी बाकी है। देखो चीज़ों को ज़्यादा अंदर तक ले जाऊँ आप चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए, आप इस वीडियो में सिर्फ इतना देखिए जो वर्किंग पोजिशन इसकी क्या रहती है। जो पुराने बैंक हैं उनको रिप्लेस किया जाता है, उसकी जगह नए बैंक हैं वो लगा दिए जाते हैं एक टाइम के बाद। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जितने जो वर्क है वो इसकी लीडें तैयार की जा रही हैं, इसके कनेक्शन के लिए जो हेवी वायर है वो यूज में लेते हैं। एक मिनट दे दीजिए, वायर इसकी जो करंट कैपेसिटी के अनुसार काम में लेते हैं, और साथ में इसको भी देखिए यहाँ पे जो थिम्बल है वो लगाए गए हैं, जो लग है हमारे वो लगाए गए हैं ट्यूबलर टाइप के, जो कि बहुत ही शानदार इसको यहाँ पे क्रिम्पिंग करना होता है, ये देख लीजिए प्रॉपर करना होता है, क्योंकि जो हेवी वर्क होता है ना उसके अंदर कनेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर लूज कनेक्शन रहते हैं उस दौरान क्या है बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है, बहुत बड़ा लॉसेस हो जाते हैं। इसमें जो हीट स्लीव है वो भी रेडी किए जा रहे हैं, जैसे आर है वाई है और बी की जो हीट स्लीव है वो भी सब रेडी किए जा रही हैं, तो ये सब हम यूज़ में लेने वाले हैं इसके अंदर, और सारा जो प्रॉपरली जो हेवी वर्क है वो होने वाला है। तो ये देख लीजिए हमने जो लीडें हैं वो बना के तैयार रखी हुई हैं पहले सारी, तो जैसे ही पावर को कट करवाएंगे उस दौरान सबको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको ये बता रखा था कि पावर फैक्टर वो जरूरी क्यों है, ये किस प्रकार मेंटेन रखता है और पावर फैक्टर का कितना वैल्यू होता है इलेक्ट्रिसिटी में, यह आपको सबको पता है। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा है कि पावर फैक्टर आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्या वैल्यू रहती है या इसको मेंटेन रखना क्यों जरूरी है। अब ये वाला जो कैपेसिटर बैंक है वो बनके पूरा तैयार हो चुका है, जो मैंने लीडें बनाई थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुकी है, जो मैंने हीट स्लीव बनाई थी आर वाई बी वो भी तीनों लग चुकी है, थिम्बल के साथ पूरा काम है वो ओके हो चुका है। अब इसकी क्या करें हम वैल्यू चेक करें एक्चुअल टाइम में कितनी वैल्यू, आपने पीछे वाले में देखी थी ना एक की वैल्यू थी 140 माइक्रोफेड, एक की थी 160 माइक्रोफेड, जबकि दोनों की 200 होनी चाहिए थी और दोनों की जो फाइनल वैल्यू वो 400 मिनिमम होनी चाहिए थी। अब दो की जगह सिर्फ एक ही बैंक को लगे क्योंकि ये बैंक उससे बड़ा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 400 प्लस ही आनी चाहिए। तो इसकी जो फाइनल मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ वाई और बी के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, लगभग 415 वोल्टेज आ रही है, जो कि बहुत सही वैल्यू है, हमें 400 प्लस माइक्रोफेड वैल्यू तो चाहिए थी। दो बैंक की जगह एक को रिप्लेस करेंगे, जो कि दोनों की उनकी वीक थी और दोनों की उनकी 300 से कम आ रही थी, इसलिए प्लांट को बार बार वार्निंग मिल रही थी, इसका पावर फैक्टर बार बार डाउन आ रहा था, बार बार लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था, तो उसकी जगह हम अभी इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे करेंगे, पैनल से जो पुराने वाले जो हमने कैपेसिटर बैंक निकाले थे ना उसी जगह इसको लगा देंगे। ऊपर जो आपको दिख रही है रिएक्टर यानी जो चौक लगी हुई है, ये दोनों को काम क्या होता है, चौक होती है वो वोल्टेज को आगे करती है और जो कैपेसिटर की बैंक होता है जो कैपेसिटर होता है वो करंट को आगे करता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से पावर फैक्टर है जो मेंटेन होता है। ये आपको दिखा रहा है साइड में ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटरों को डिस्चार्ज करने के लिए काम आता है, जैसे हमारे कैपेसिटर बैंक में वर्क करना होता है जैसे उनको बंद करना होता है तब उसके तुरंत बाद क्या है इसको पूरी तरह डिस्चार्ज होना जरूरी होता है। इसी तरह आप इस वाले सेट में देख सकते हो नीचे इसमें कैपेसिटर बैंक लग भी चुका है और ऊपर जो आपको बस बार दिख रही है यहाँ इसके स्ट्रॉन्गली कनेक्शन भी हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया
हेवी वर्क के अंदर हमेशा जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाती, ये एक तरीके से एचटी लेवल का पूरा काम होता है। और जो ऊपर आपको रिएक्टर दिख रहे हैं इनके कनेक्शन फाइनल इसके अंदर हो जाएंगे तब ये प्रॉपर वैल्यू को मेंटेन रखेंगे और अपना जो चरम पे आपको जो पीक है, पीक वैल्यू कैपेसिटर बैंक की 1 होती है, पावर फैक्टर की जो मेन वैल्यू वो 1 होती है। बाकी आपको ऑल इंडिया कहीं पर भी पावर फैक्टर बैंक है जो सेटअप करवाना है तो आप नीचे मेरे कॉन्टैक्ट में, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पावर फैक्टर वैल्यू चेक करवा सकते हैं और आप मेरे से पूरा सेटअप लगवा सकते हैं। इसमें अपनी फुल गारंटी रहती है, तो आप मुझे विजिट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट करा सकते हैं। मैं अपनी जो कंपनी है, जो पार्टी है, उसको आपका जो प्लांट है वो विजिट करवा दूंगा, कितना कुछ उसमें खर्चा आता है वो सारी चीज कॉस्ट वगैरह आपको बता दी जाएगी। तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इसी तरह के और वीडियो देख लें, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे को यूट्यूब पर देख रहे हो, मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कुछ बेहतर देख सकें, कुछ सीख सकें। मेरा हर रोज ये कहना रहता है कि जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। तो यही जो रूल है वो लाइफ का रहता है। माइंड को एकदम शार्प और स्ट्रेट रखो, सीखने की ललक है वो जिंदगी में हमेशा चालू रखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।